नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल टीके संडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ, जिसमें मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ काली लिनक्स इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है और काली लिनक्स पर सेटअप किया कैसे किया जाता है और कितना स्पेस होना चाहिए काली लिनक्स को जब हम इंस्टॉल करते हैं, उसका स्पेस कितना हमें देना है और उसकी मेमोरी कितना देना है और CPU क्या देना है और क्या होना चाहिए हमारे सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन, तब हम काली लिनक्स परफॉर्म कर पाएंगे, अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। तो ऐसे सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ और आने वाले वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाला, जैसे काली लिनक्स पे प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म करते हैं, काली लिनक्स पे किसी का वाईफाई का पासवर्ड कैसे कैप्चर करते हैं, काली लिनक्स किसी का लाइव लोकेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, काली लिनक्स पे कैसे किसी के फेसबुक का डिटेल निकालते हैं, उसका नंबर क्या है, उसका यूजर आईडी क्या है, उसका पासवर्ड क्या है, एंड जैसे इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम से डिटेल कैसे फाउंड आउट बड़ा हरामी हो बेटा करते हैं, इंस्टाग्राम की डिटेल्स कैसे निकालते हैं, उसका यूजर नेम पासवर्ड लाइव लोकेशन कहाँ से इंटरनेट आ रहा है, कौन सा ISP से इंटरनेट मिल रहा है, कौन से मोबाइल में पिन है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको आने वाली वीडियो में कंटिन्यू देता रहूंगा। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको सिखाते हैं कि कैसे इंस्टॉलेशन करना है और कैसे सेटअप करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं वीडियो में। दोस्तों हम आ गए अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर, तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आपको डाउनलोड कहाँ से करना है और सेटअप कहाँ से करना है, ठीक है कैसे करना है। तो सबसे पहले हम क्रोम पर आ जाते हैं और सर्च मारते हैं काली लिनक्स। ठीक है, तो काली लिनक्स का पहले ISO फाइल डाउनलोड कर लेते हैं। तो काली लिनक्स सर्च मारेंगे आप, काली लिनक्स सर्च मारते हैं और उसके बाद सीधा आपको दिखेगा दूसरी लिंक पर डाउनलोड गेट काली लिनक्स। ठीक है, उस पर क्लिक करना है आपको, ये ऑफिशियल साइट है काली लिनक्स का। ठीक है, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डाउनलोड यहीं से करें, कहीं अदर से ना करें। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आ जाना है और नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे इंस्टॉलर है काली लिनक्स पे, इंस्टॉलर पे क्लिक करेंगे तो काली लिनक्स इंस्टॉल होने लगेगा। ठीक है, तो काली लिनक्स का ISO फाइल इंस्टॉल होने लगा है, तो इसको मैं अभी रोक दे रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे इंस्टॉल नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास काली लिनक्स का ISO फाइल पड़ा हुआ है, तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। आप बिल्कुल यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दूसरा क्या करना है, आपको VMware यहीं से मिल जाएगा, VMware वर्क स्टेशन सर्च करना है, VMware वर्क स्टेशन लेटेस्ट डाउनलोड करना है, तो आप VMware वर्क स्टेशन 17 डाउनलोड कर लीजिए, लेटेस्ट है अभी का लेटेस्ट है। ठीक है, VMware वर्क स्टेशन पे क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड नाउ का, तो डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे। अभी दो ऑप्शन दे रहा था, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि दो ऑप्शन दे रहा था, एक दे रहा है काली लिनक्स के लिए और एक दे रहा है विंडोज के लिए, तो हमें किस चीज पे इंस्टॉल करना है, क्योंकि हमें वर्क स्टेशन चलाना है विंडोज पे, तो हमें विंडोज का ही इंस्टॉल करना है। अगर आपको काली लिनक्स पे चलाना है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, बट हमें तो काली लिनक्स ही इंस्टॉल करना है विंडोज पे, तो हमें डाउनलोड करना है आपको विंडोज वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपका डाउनलोड होने लगेगा VMware, बट इसको भी मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो दो चीज आपको हो गया, VMware वर्क स्टेशन एंड काली लिनक्स का ISO फाइल। VMware पे क्लिक कर देंगे, काली लिनक्स का VMware, तो VMware इंस्टॉल हो जाएगा, तो आपको वहां पे ISO फाइल इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, या तो आप ISO फाइल चला रहे हैं तो मतलब प्रॉपर इंस्टॉलेशन हो गया आपका, और इससे चला रहे हैं तो आपको प्रॉपर इंस्टॉलेशन नहीं है, बट आप इस पर रन कर सकते हैं सारे परफॉर्म। ठीक है, बट हम काली लिनक्स का ISO फाइल इंस्टॉल करके कर रहे हैं, अगर आपको करना है तो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ये भी डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको दोनों तरह से दिखा दूंगा। तो आते हैं, जब इंस्टॉलेशन आपका कम्प्लीट हो जाए तो उसके बाद हम आ जाते हैं VMware पे। चलिए, VMware ओपन हो गया। ठीक है, VMware वर्क स्टेशन इंस्टॉल किया था तो उसको केवल यहाँ पे करना था VMware वर्चुअल मशीन। ठीक है, वर्चुअल मशीन पे क्लिक करेंगे और उसका सोर्स दे देंगे और वो स्टार्ट हो जाएगा, बट हमें ISO फाइल हमने डाउनलोड किया था, पहले ISO फाइल से सीख लेते हैं, वो बहुत इजी है। हमने ISO फाइल डाउनलोड किया है तो आपको क्लिक करना है क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन, उस पर क्लिक करते ही आपका दो ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, पहले आ रहा है टिपिकल एंड कस्टम। ठीक है, और ये रिकमेंडेड है तो हम रिकमेंडेड पे ही रहने देते हैं, एडवांस नहीं करना है, हम रिकमेंडेड पे नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, और हमें क्या करना है, इमेज फाइल से लेना है, तो हमारा इमेज फाइल कहाँ रखा हुआ है, ISO फाइल उस पर सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन ISO फाइल पे क्लिक करना है और ब्राउज करना है। ठीक है, तो आपका ISO फाइल जहाँ पे रखा हुआ है उसकी लोकेशन ले लेना है। ठीक है, तो हमारा ISO फाइल डी ड्राइव में मैंने काली लिनक्स के नाम से रखा हुआ है। ठीक है, काली लिनक्स ISO फाइल, तो काली लिनक्स ISO फाइल को क्लिक करना है और ओपन कर देना है। ठीक है,
और यहाँ पे जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको काले लिनक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितनी बीट का चाहिए काले लिनक्स। तो हमें काले लिनक्स 64 बीट का 64 बीट का चाहिए। आप 32 बीट करना चाहते हैं तो 32 बीट भी कर सकते हैं, बट हमें 64 बीट का चाहिए तो हम 64 पे क्लिक करते हैं और नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अपने मशीन का, वर्चुअल मशीन का कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैंने नाम दे दिया हैकिंग। ठीक है हैकिंग दे दिया तो, और नेक्स्ट किया। और यहाँ पे आपको स्पेस देना है, मिनिमम देना चाहिए 100 GB, तो कम से कम आप देना ही देना है आपको स्पेस वर्चुअल मशीन काले लिनक्स के लिए। ठीक है, 100 GB आपने दे दिया। उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल सोर्सेज नहीं लेना, सिंगल सोर्सेज आप सिंगल पे क्लिक करके नेक्स्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे कस्टम हार्डवेयर पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको रैम सेलेक्ट करना है। तो रैम कम से कम आपको 4 GB तो देना है, 2 GB में चल जाएगा, बट 2 GB आप दे देंगे तो बहुत प्रॉब्लम करेगा वो चलने में, स्मूथ नहीं चलेगा। तो कम से कम 4-5 GB तो आपको देना ही देना है। ठीक है, तो 4 GB हम ले लेते हैं, लगभग 4 GB ले लेते हैं। उसके बाद प्रोसेसर पे आते हैं। प्रोसेसर भी आपको कम से कम डुअल कोर का तो होना चाहिए, आपका प्रोसेसर डुअल कोर का होना चाहिए, बट आपका i3 i5 है तो आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो अगर मेरा i5 है तो मैंने 4 कोर कर दिया है। 4 कोर करने के बाद डिस्क यही रहने देते हैं, नेटवर्क अडॉप्टर नेटवर्क पे रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ब्रिज पे इसलिए नहीं करना है, ब्रिज पे करना है तो उसी में चलेगा, नेट पे ही रहने देना, दोनों में चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और क्या बोलते हैं, यूएसबी भी सेम है, यूएसबी भी करने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। साउंड कार्ड भी सेम है, प्रिंटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें सारी चीज़ सही है। उसके बाद क्लोज करना है आपको, क्लोज करने के बाद फिनिश पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे हैकिंग के नाम से एक वर्चुअल मशीन एक क्रिएट हो गई है। ठीक है, और ये काले लिनक्स के हैं, तो इसको हम पावर ऑन कर देते हैं। ठीक है, पावर ऑन पे क्लिक करते हैं, ये काले लिनक्स की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आया है ग्राफिकल इंस्टॉल करना है या फिर एडवांस करना है, तो हमें केवल ग्राफिकल करना है, क्योंकि हमें कमांड से तो नहीं करना, हमें ग्राफिकल करना ताकि हमें चीज़ें समझ में आ जाए पूरी। ठीक है, तो कमांड से भी अगर आप सीखना चाहते हैं तो कमांड से भी मैं सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी ग्राफिकल आपको सिखा देता हूँ ताकि आप इंस्टॉलेशन जो है ग्राफिकल कर पाएं, अच्छे से कर पाएं। ठीक है, तो आपको जैसे इस पे नेक्स्ट करना है, नीचे यहाँ टाइमर स्टार्ट हुआ है तो टाइमर को चलने देते हैं। तो यहाँ पर इंटर प्रेस करने के बाद ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा, ये रिबूट हुआ, रिबूट होने के बाद स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट होने देते हैं। यहाँ पे हमसे लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो हमारा लैंग्वेज होगा इंग्लिश लैंग्वेज ही है, तो हम इंग्लिश पे ही रहने देते हैं और कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टेट जो कह रहा है, स्टेट अगर आप कहीं बाहर से हैं, यूके से हैं तो यूके सेलेक्ट कीजिए, और इस यूएस से हैं तो यूएस कीजिए, कहीं और से हैं जहाँ से आप हैं वहाँ का सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं इंडिया से हूँ तो इंडिया पे सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, और उसके बाद हमारा कीबोर्ड की लैंग्वेज हमारा अमेरिकन लैंग्वेज है, यूके है, तो अमेरिकन ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो अमेरिकन पे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ प्रोसेस स्टार्ट हो गया, इंस्टॉलेशन वेट कर लेते हैं थोड़ी देर, इंस्टॉलेशन होने देते हैं। तो यहाँ पर आपसे होस्ट नेम पूछ रहा है, तो होस्ट नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, डिफॉल्ट में काली रहता है, बट काली कभी भी नहीं रखना है आप लोगों को, कभी भी हैकिंग परफॉर्म करते हैं तो। ठीक है, तो वो काली रहता है, तो कहीं भी जब उसका लोकेशन ट्रैक होता है तो पता चल जाता है कि ये तो गड़बड़ है, तो आपको काली नहीं रखना है। तो आप कुछ और रख सकते हैं, मैंने तो विंडोज़ रख दिया, तो आप विंडोज़ भी रख सकते हैं, कुछ भी आप रख सकते हैं। ठीक है, तो विंडोज़ रख के और आप कंटिन्यू करिए। ठीक है, होस्ट नेम, डोमेन नेम अभी हमें कुछ नहीं देना है, तो आप कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। ठीक है, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन देख रहा है, आपका फुल नेम पूछ रहा है, तो आप फुल नेम अपना दे सकते हैं, अदरवाइज आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो मैंने लव लिख दिया। ठीक है, लव लिख के कंटिन्यू किया। ठीक है, और हमारा यूज़र नेम मेरे अकाउंट के लिए कोई दिक्कत नहीं, यही रहने देते हैं। उसके बाद पासवर्ड आप काली मैंने रख लिया, नॉर्मल पासवर्ड काली @123, आप कुछ भी रख सकते हैं अपने हिसाब से, आपको बट बताना नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है, कैसे करना है, बट आपको किसी को नहीं शेयर करना है। ठीक, और आगे ये प्रोसेस ले लिया है, यहाँ पे आपको यूज एंटायर डिस्क पे ही क्लिक करना है, मैनुअल आपको नहीं करना है, ऑटोमेटिक कर देगा, मैनुअल आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा एक एक चीज़ करने के लिए, तो यूज़ इंटायर डिस्क कर देना। ठीक है, तो जिस डिस्क में है वहीं पे आपका इंस्टॉलेशन हो जाएगा।
तो यहाँ पे स्पेस इतना दिखा रहा है उसके लिए रिजर्व कर लिया, आपको ओके है तो आप कंटिन्यू कर लीजिए, ठीक है, या फिर आप मैनुअल जाके आप चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें यही पार्टीशन यही डिस्क चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, हमें कोई अदर से पार्टीशन नहीं करना, अगर आपको करना तो आप पार्टीशन कर सकते हैं। फिनिश पार्टीशन पे क्लिक कर देते हैं, पार्टीशन कंप्लीट हो गया है, और यहाँ से पार्टीशन क्रिएट करने के लिए बोल देते हैं प्रॉपर पार्टीशन क्रिएट कर दो। तो आपको जियोनी पे जियोनी को भी ले लेना है, और अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, टॉप 10 वाला है हटा सकते हैं, बट मुझे सारे चीज़ें चाहिए, सारे टूल्स चाहिए, तो आप टॉप 10 पे क्लिक करके रहने देते हैं, उसके बाद कंटिन्यू सेटअप पे कर देते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन होने लगा है, जितने भी सॉफ्टवेयर मैंने सेलेक्ट कर रखे वो सारे सॉफ्टवेयर एक बार में ही इंस्टॉल हो जाएंगे, तो आपको बार बार इंस्टॉलेशन नहीं करना है, या बीच में अगर आप चाहते हैं आपके पास स्पेस कम है तो आप बीच में भी कर सकते हैं जिस चीज़ का आपको नीड है, बट मैंने सेलेक्ट कर रखे टॉप 10 जो बेसिक जो सॉफ्टवेयर है जो हमें यूज में लेने हैं, तो उस पर आप सेलेक्ट रहने दीजिए, ठीक है, और उसको सेलेक्ट रह के और कंटिन्यू करना। तो यहाँ पे आपको GDMI3 पे ही रहने देना और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो गाइस हमारा इंस्टॉलेशन फाइनली कंप्लीट हो गया, जो हमारे सिलेक्टेड सॉफ्टवेयर थे वो प्रॉपर इंस्टॉल हो गए। तो आपको यहाँ पे जस्ट सिलेक्ट करना है नो, क्योंकि अभी हमें कुछ और सेकेंड ऑप्शन चूज करना है और कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो आपका जो इंस्टॉलेशन है वो फाइनली कंप्लीट इंस्टॉलेशन अब जाके होगा। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया, बस हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है और ये रिबूट होगा, ठीक है। आप इसको रिबूट करेगा मतलब सिस्टम को रीस्टार्ट करेगा, रीस्टार्ट होने के बाद ये ऑन हो जाएगा। जैसे गाइस देख पा रहे हैं आपके हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। जैसे कि दोस्तों अभी आपने सीखा कि आप इंस्टॉलेशन कैसे करना है, विंडोज इंस्टॉलेशन तो आपने प्रॉपर सीख लिया स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बेसिक कमांड जो लिनक्स के जो बेसिक कमांड है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, और वो आपको आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब तक आपको बेसिक कमांड नहीं आएगा तब तक आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो आपको लिनक्स के जो बेसिक कमांड है वो मैं इसके बाद वाली वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद वाले आने वाले टाइम में मैं आपको प्रॉपर हैकिंग सिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको किसी को टारगेट करना है, कैसे उसकी डिटेल फाइंड आउट करना है, वो मैं आगे बताऊँगा, ठीक है। तो इसके बाद आने वाली वीडियो में आपको बेसिक कमांड बताने वाला हूँ, वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलिए। और इस वीडियो को तो इम्पोर्टेंट, ये वीडियो आपने जो देखा अभी ये इम्पोर्टेंट तो है ही है, क्योंकि आप इंस्टॉलेशन नहीं जानेंगे, कॉन्फ़िगरेशन नहीं जानेंगे, तो आप यूज़ कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, और इसके बाद आने वाली जो वीडियो वो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।